नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनर्स में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टोकरी है, इसमें मैंने अंदर एक ये लगा दिया है कैरी बैग। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँ, आज के वीडियो में हम अपने किचन वेस्ट को आसान तरीके से बिना बदबू बिना गंदगी फैलाए छोटी जगह पर भी किस तरह से कंपोस्ट में बदल सकते हैं। उसके लिए हमें कोई अलग से कंपोस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग डब्बा या बॉक्स रखे हम उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो गमले हम जिनमें पौधे लगाते हैं उन्हीं से उन्हीं में हमारा कंपोस्ट भी पौधों के साथ साथ तैयार हो सकता है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे मैंने एक टोकरी ये ली है और इसमें मैंने एक लेयर मिट्टी की पूरी ये इस तरह से बिछा लिया, देख सकते हैं। और इसके ऊपर मेरा जो रोज़ वाला किचन वेस्ट होता है वो मैं निकालती हूँ। देखिए, ये टमाटर, चाय पत्ती, आलू के छिलके, ये मैंने दो तीन दिन से रखे हुए थे, ऑलरेडी थोड़े से सड़ चुके हैं, ये डाल दिए। इसमें मैंने एक लेयर बिछा दी, इसकी पतली लेयर इसमें बिछानी पड़ेगी इसकी। उसके ऊपर मैंने एक मिट्टी की लेयर बिछा दी, ठीक है, इसकी थोड़ी पतली पतली लेयर बिछानी पड़ेगी, बिछानी होती है इस तरह से। अगर आप बनाते हैं डायरेक्ट मोटी लेयर में, फिर बीच वाला जो है वो गले बिना रह जाता है। उसके बाद में ये और किचन वेस्ट है, चाय पत्ती है, प्याज के छिलके, भिंडी, ये सब मैं फैला दूँगी दोबारा। ये देखिए, ये केले के छिलके जो बहुत अच्छे होते हैं, ये इस तरह से मैं इनको तोड़ देती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े इनको कर दूँगी ऐसे। जो भी आपके पास किचन वेस्ट है वही फैला दो सारा इसमें, इस तरह से लेयर फैला सकते हैं। ये थोड़े छोटे टुकड़े कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी गलेगा। ये देखिए, ये मैंने कर दिए हैं। और ये कुछ भिंडी के हैं, पूरे ये देखिए पूरी लेयर बिछ गई इसमें इस तरह से कचरे की, देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गया है। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी फैला दूँगी, ऊपर वाली जो लेयर जिसमें हमें पौधे लगाने हैं, जैसे आजकल हमें हरी सब्ज़ियाँ लगानी हैं पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, उनके लिए ये इस तरह से ऊपर वाली जो लेयर होगी वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पौधे की जो डायरेक्ट थोड़ी सी लेयर बिछा के उसके ऊपर ही हम बो दें। ये आप देख सकते हैं ऊपर तक मेरी टोकरी भर गई है, मोटा मोटा निकाल देती हूँ, बारीक बारीक में ऊपर भर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सेट कर, हो गया। अब इसमें मैं ये मेरे पास है पालक के बीज, देख सकते हैं ये पालक के बीज है, पालक मैं इसमें डाल दूँगी तो ऊपर से पालक हो जाएगा, जो एक डेढ़ महीने के अंदर ही, एक महीने के बाद ही ये हमें मिल जाता है। पालक हम दो तरीके से बोते हैं, जो अगर हमें मोटा गुच्छा उसकी पूरी बंच एक बार में चाहिए तो उसको हम दूर दूर डालते हैं, और घना चाहिए काटते हैं जिसे हम तो बार बार कर लेते हैं उसके लिए हम ज़्यादा बीज डालते हैं। तो ये पालक के बीज मैं थोड़ा काटने वाला डालूँगी, इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर, बिखेर दूँगी। वैसे भी ये मेरे पिछले साल के बीज हैं, अगर ज़्यादा दिन रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इनको भी यूज़ कर लेती हूँ अक्टूबर में लगाने के लिए दूसरे ले लेती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने काफ़ी सारे बीज इसमें डाल दिए हैं, सारे नहीं भी जमेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा बता देती हूँ, ज़्यादा तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर बीज डाल दिए। अब इसके ऊपर एक पतली लेयर में मिट्टी भी बिछा दूँगी, आधा इंच मुश्किल से लेयर में इसके ऊपर, थोड़ी बारीक मिट्टी की, मोटी मोटी मिट्टी इसके ऊपर ना आए इस तरह से। ये बस हो गया, अब आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर पानी देने की बारी आती है, तो पानी आप कैसे देंगे, क्योंकि जब आप पानी देंगे पानी नीचे जाएगा और आपका किचन वेस्ट साथ साथ कंपोस्ट में बदल जाएगा, वो भी गलता रहेगा नीचे दबा हुआ बार बार, क्योंकि पानी हमें अपने पौधे में देंगे ही, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे बराबर करना है, और फिर इसके ऊपर हमें पानी देना है, पानी छिड़क के देना। अगर आप एकदम से ऐसे पानी डाल दोगे तो सारे दाने जो है उसके बाहर आ जाएंगे, और जो बाहर आ जाएंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे इस तरह से ऐसे। आप पालक के बीज भिगोकर भी डाल सकते हो, डायरेक्ट भी डाल सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। मेथी, पालक, धनिया, ये सब चीज़ें
किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें हल्के हाथ से, जब तक पौधे नहीं बन जाते तब तक हल्के हाथ से ही पानी देना है। थोड़ा ज़्यादा पहली बार में दे देती हूँ जिससे कि पानी नीचे तक पहुँच जाए और बीज जो हमारे वो गीले हो जाए और गीले होकर वो फूल जाए, फूल के जर्मिनेट हो जाए। जब तक गीले नहीं होंगे तब तक जर्मिनेट नहीं होंगे। हाथ भी धुल गए, पानी भी चलाएंगे। इस तरह से ये पूरा पानी मैंने इस पर डाल दिया है और आप बीच में चेक कर लेना, देख लेना, अगर कोई बीज ऊपर आ गया है तो आप उसके ऊपर पतली लेयर मिट्टी की दोबारा डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से गमले में आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं, साथ ही आप उसमें पौधे भी लगा सकते हैं। तो आपके ना गंदगी फैलेगी, ना आपको बदबू फैलेगी, ना आपको किसी एक अलग बॉक्स में कंटेनर में, ना आपको कूड़ा कचरा इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आप दो दिन तीन दिन का तो आप इकट्ठा कर भी सकते हैं, नहीं तो आप लाइए और डाल दो उसमें। एक लेयर बिछा के रखो, उसी में इकट्ठा करते रहो, फिर एक लेयर बिछा दो, फिर इकट्ठा करते रहो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है और हर घर में, बालकनी में, छोटी जगह पे, बंद जगह पे, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट में मुझे बताइए। अगर मेरा वीडियो ये आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।